कट मोचन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था, तो क्या किसकी सरकार थी? पूरी जनता को पता है। और जब से मोदी आए हैं तब से कितने मंदिर में आतंकी हमले हो गए, आप एक गिना दीजिए। मैं ये पूछता हूँ, इससे पहले की जो सरकार थी हमको क्या दे? कम से कम इस सरकार हम सेफ है। आज गुंडे बदमाश बोल रहे हैं भैया हमको, हम नहीं जाएंगे इस राज्य में। और पहले क्या था? गोली मार के खाल उधेड़ के ले जाके चौराहे पे खड़ा करते थे, घुमाते थे। दस दस जो है जज जो हैं अपना फैसला नहीं दिए, अपना नाम हटा लिए, आज उसी को मारा गया। हम तो भाई खुश हैं। सामने वाले को तकलीफ है, हो सकता है उसकी उससे कोई लगाव हो, हमारा कोई लगाव नहीं है। आई एम सेफ्टी फर्स्ट। हमारे पास हजार नहीं है, आप खुद सोचिए, हमारे पास हजारों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, अगर कोई आकर कनपट्टी पे लगा गोली मार दे, किस काम का हमारा पैसा? आप जाके पूछिए जम्मू कश्मीर, जो कश्मीरी पंडित भगाए गए बेचारे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ गया? क्या उनके पास पैसा, उनके बहन बेटियाँ नहीं थी, उनके पास घर द्वार नहीं था, लेकिन वो पैसा कहाँ, किस काम का है? कुछ नहीं है, लास्ट में भागना पड़ा ना। हम उस स्थिति में ना जाएं, इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले अपनी सेफ्टी दें। सेफ्टी कहाँ है? सेफ्टी जहाँ रख पैसा। इन्होंने कहा कि रोड बनने से क्या हमको पैसे मिल जाएंगे? जब जहाँ रोड बनता है ना, आप हमारे यहाँ जाके देखें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है, मैं वहीं से हूँ, सुल्तानपुर का हूँ। नहीं, विपक्षी पार्टी क्या है? विपक्षी कुछ नहीं है, वो हवा का सामान है। जब जिस प्रकार पानी में फफोला जब उगता है ना, बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन कब तक के लिए? पल भर के लिए। तो विपक्षी सिर्फ अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। चाणक्य ने कहा था जब विपक्ष हो जाए तो समझना तुम्हारा राजा बहुत ईमानदार है। और इसमें कोई शक नहीं है कि राजा वाकई मेरा बहुत ईमानदार है। बहुत बढ़िया। जो शख्स आज देश को कहां से कहां ले गया, कांग्रेस सो रही थी 70 सालों से, क्यों नहीं लगी देश को आगे? आज ब्लेम क्यों करती है? राहुल गांधी गौ का मांस खा के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा गौ का मांस खा के एयर कंडीशन के कंटेनर में बैठे हैं, वो यात्रा है? वो पैसा बर्बाद है हमारे देश का। कहां से आया इतना पैसा कांग्रेस के पास? क्या उसका बाडरा जीजा क्या करता है, कौन सी कमाई करता है? 1 लाख रुपया से 10 साल में 10 करोड़ बना लिया, 10 करोड़ अरब। वो मेरे को बता दे भैया, हम ही कर ले वो काम। कौन सा काम किया उसने? कौन सा बिजनेस है? सोनिया का कौन सा बिजनेस है? आप मुझे बताइए कौन सा बिजनेस है, हमको भी बता दे ये बिजनेस है। वो तो कह रहे कि मोदी जी ने देश को बेच दिया अडानी अंबानी के हाथों। सोनिया देश को बेच रही थी, मोदी जी ने बचा लिया। आज हिंदू है जो जिंदा है, कहेंगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कट मोचन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था, तो क्या किसकी सरकार थी? पूरी जनता को पता है। और जब से मोदी आए हैं तब से कितने मंदिर में आतंकी हमले हो गए, आप एक गिना दीजिए। मोदी के आने से मंदिर था, मस्जिद बगल में था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर को बनवा दे, वो अकेला शेर खड़ा होकर पूरा मंदिर बनवाया है। क्या स्थिति थी आज से 10 साल पहले सब जानते हैं। अयोध्या में क्या स्थिति थी? सरकारें आती थी तो जो बने हैं ना पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे मुलायम हिंदुओं पे गोली चलवाए थे, तब उनको शर्म नहीं आई? नहीं, फिर चलवा के। बहुत बड़े आप यादव के मसीहा बनते हैं क्या? यादव हिंदू नहीं होता है? चलवा के और हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाए हैं, ऊपर से फिर बताते हैं कि वो राम को लाए हैं तो हम कृष्ण को लाएंगे। उनके औकात नहीं कि कृष्ण को ला पाए। उनको कृष्ण को लाना होता तो जब 20 साल सत्ता थी तब ला देते। आज उनकी क्या औकात रह गई है? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक हैं। और शेर खड़ा खेला है तो कोई हरा भी नहीं पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। यही काशी से दोबारा जीत के सांसद जाएंगे मोदी जी, यही जनता जितवाएगी। गरीब आदमी जितने भी रिक्शे वाले हमने देखे, बात किया, रिक्शे वाले बड़े खुश हैं कि हमें तो यहाँ आकर मिल गई, तो हमारी तो इनकम बढ़ गई, पूरी इनकम हो गई रिक्शे वालों की। आज मैंने लोगों से पूछा, बोलते हैं मोदी जी के आने से पैसा बढ़ा, व्यापार बढ़ा, जो हम भूखे सोते थे आज इनकम बढ़ी, आज हम चैन से खा रहे हैं। क्या बोट वाले, क्या फूलमाला वाले, गार्ड वाले, हर आदमी वाह वाह कर रहा है मोदी जी की। मोदी आज के युग में राम का मर्यादा राम है, और योगी जी हमारे हनुमान है, चाणक्य हमारा। आज अगर मोदी और योगी नहीं होते तो साथ देश बर्बाद हो जाता, बच नहीं सकता। विपक्ष वाले तो कह रहे कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये उन्हीं दोनों की ताकत है। मुस्लिम नहीं करते, मोदी ने कहीं मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सबको बराबर देख रहे हैं, सबको बराबर देख रहे हैं, अनाज सबको दे रहे हैं। वो उनके अंदर ये भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, वो उनके लिए सब एक है। कोविड का टीका कितनी जल्दी आया?
ये आप देख रहे हैं ना कोविड का टीका। मोदी पार्टी के लोग करेंगे तो बर्बाद करेगा, मोदी योगी किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सही, बढ़िया, मिट्टी में मिला देंगे। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 24 में यदि मोदी जी आ गए तो दोबारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, चुनाव नहीं होगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। उनके लिए तो लोकतंत्र है ही नहीं, वो जो संसद में नहीं बैठ सकते, जो वो संसद में भी नहीं बैठ सकते और संसद में वो किनारे जवाब भी नहीं दे सकते, हमेशा संसद चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे संसद काहे के लिए बनी हुई है? संसद हम लोग चुन करके भेज रहे हैं तो संसद में बैठ करके बातें करो, तो बाहर सड़क पर जाकर के उदम कर रहे हो, हल्ला उल्ला कर रहे हो, क्या फायदा इस हल्ला उल्ला से? नया संसद बना पवित्रता की निशानी है, वो हमारा लोकतंत्र है। वो सब बदमाश लोग कहते हैं ना नहीं आए, उसमें बदमाश आते तो लोकतंत्र कैसे हो जाता, अपने आप ही अलग हो गए तो क्या बोलेंगे, जय श्री राम। बोलिए सर, कहाँ से? सर मैं सतना से हूँ, सतना से आया हूँ। क्या कहेंगे, 24 में लोकसभा का चुनाव है, ये मैं इसके पहले मान लीजिए यहाँ आया था तो अब देखा बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा था घाटों में कई प्रकार की मतलब गंदगी आए कुछ भी है, आज मैंने अभी आया हूँ तो देखा यहाँ घाटों में बहुत अच्छी मतलब व्यवस्थाएं हो गई हैं, और यहाँ का जो है रोडें हैं और मंदिरें, मंदिरों में आने के लिए बहुत समस्याएं रहती थी, आज गेट में ऐसी समस्याएं नहीं है, चार चार गेट हो गए हैं और हर प्रकार की समस्याएं दूर हो गई है, मतलब कितनी पतली पतली रास्ताएं थी और बहुत ज़्यादा विकास हुआ, मतलब कभी कोई सोच नहीं सका। आप कहाँ से हैं सर? मैं गाजीपुर जनपद से हूँ, दीपक कुमार पांडे एडवोकेट, और लौरी काशी गाजीपुर को कहा जाता है, ये काशी है। और मेरा विचार से जितना धार्मिक रूप से वृद्धि संस्कार सरकार में हुआ है, किसी सरकार में बस केवल तुष्टिकरण होता था किसी एक समुदाय के लिए, लेकिन ये सरकार सभी के लिए काम कर रही है। कुछ खामियां है, जैसे व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, टैक्सेशन से आम जनता परेशान है, महंगाई से आम लोग परेशान हैं, अन्यथा इस तरह से अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो ये मोदी सरकार द बेस्ट है, क्योंकि जितने धार्मिक संस्था, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल हो, सब जगह से इनका विकास हो रहा है और आम जन को सुविधाएं मिल रही हैं। दर्शन तो क्या धर्म के आधार पर ही वोट मिलेगा? और अब अगर केवल धार्मिक आधार पर तो नहीं, और सारे काम हैं उनके, देश के मुद्दे पे वोट मिल रहा है तभी दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी की, मोदी की भी दूसरी सरकार बन गई है, तीसरे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर में क्या स्थिति है? वहाँ मुख्तार अंसारी का बड़ा एक आतंक हुआ करता था। गाजीपुर जनपद में मुख्तार अंसारी का कोई ऐसा आतंक नहीं है इस समय, सभी माफिया लोग कोई माफियागिरी नहीं कर रहे हैं, गाजीपुर में कानून का राज चल रहा है। गाजीपुर शहर एक शहर हो गया पहले से ज्यादा, बनारस यहाँ पे आप खड़े हैं तो मोदी वो जी करेंगे, समझे? यहाँ पे आप अच्छे से खड़े हैं तो मोदी की चलते खड़े हैं। ये पहले नहीं खड़े हो पाते थे? नहीं हो पाते थे पहले, इतना भारी पहले कुछ नहीं दिए हैं मोदी योगी। क्या नहीं दिए हैं? खाली बेचे हैं, कुछ नहीं बेचे हैं। अरे दिए कहाँ है बोलो, कहाँ दिए हैं? कोई गिनती बता दो। नौ साल में कोई दस काम दिखाए? नौ साल में कोई दस काम दिखा दे, बताइए। अयोध्या बन गया? मानते हैं आप लोग भाई सफाई हो तो आप लोग से क्या बोले? ओ भैया आंध्र प्रदेश महिला आंध्र प्रदेश नीचे वच्चे अंडी काशी वाराणसी। पीएम कौन अच्छा है, मोदी राहुल गांधी या कोई और? मैं ईश्वर कोसम వచ్చాము, ఎప్పుడు వస్తానే ఉన్నాము, ప్రతి 4 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తానే ఉంటాము। कोई काम नहीं हुआ है पूरे 9 साल में, एक भी काम नहीं। हम स्टूडेंट के लिए मंदिर नहीं चाहिए, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। MBA कर करके ग्रुप डी की नौकरी के लिए फॉर्म भरना पड़ जा रहा है इस सरकार में। महंगाई कहाँ से है आप लोग? हम आजमगढ़ से हैं। अच्छा, पढ़ाई चालू है कि हो गई? सर पढ़ाई चालू है, हम BSc कर रहे हैं और यहाँ से नीट के लिए कर रहे हैं, मतलब नीट के लिए कोचिंग करते हैं आकाश में। अच्छों से पढ़ाई कर? यस सर। मैं जो ये बताइए तो आप कह रहे हैं कि काम अच्छा नहीं हो रहा, तो विकल्प किसको देख रहे हैं? विकल्प हम वो केंद्र में उसको देखेंगे, कांग्रेस को और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को। हम युवा हैं और युवा के साथ जाना पसंद करेंगे। दादा श्री कृष्ण। राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी, और यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। हाँ बताइए सर, आप कहाँ से? मैं राकेश कुमार दुबे बांदा जिला से हूँ, बांदा चित्रकूट, मैं बागेश्वर धाम में रहता हूँ। अच्छा, 2024 में लोकसभा का बताइए आप। हम जो है
जो योगी और मोदी ने किया है वो बहुत अच्छा किया है। कम से कम जो है वो ख़त्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया, ठीक है। सारे जितने भी अत्याचार हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था, वो सब बंद हो गया। ये हमको बहुत खुशी है। हम उनको जो राम को लाए हैं, हम उनको लाना चाहते हैं। बस इसके अलावा अखिलेश यादव भी तो बोलते हैं कि हम कृष्ण को लाएंगे। नहीं ना, खाली बोलते हैं ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी तो आ गए, वो तो आ गए, वो तो आ गए, योगी जी तो आ गए। हाँ तो मोदी जी ही आए, योगी जी ही आएंगे और ये तो योगी मोदी दोनों ही आएंगे जी। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बेरोजगारी वो उनके ऊपर डिपेंड है, सस्ता करे या महंगा करे वो कुछ नहीं पे। लेकिन हमारी जो है कल के लिए माँ बहन बेटियाँ निकलती हैं, वो तो सुरक्षित है, ठीक है। भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, दो नंबर के धंधे बंद हो गए हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं। अब कोई हर घर को, हर लोगों को आवास दिया जाता है, हर सब सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इकट्ठा नहीं होगा। आप कह रहे कि माँ बहन सुरक्षित है, पहले अखिलेश यादव के समय में ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था, लेकिन दंगा फसाद होता था जी। आप लोग कहाँ से? सीतापुर से, सीतापुर। योगी मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है और सरकार में बहुत ऐसे कार्य हुए जो पिछली सरकारों में गुंडागर्दी ऐसी थी, जो सड़क रात में निकलते थे तो चोरी हो जाती थी, छीन लिया जाता था सामान। आज ऐसी रात के 2 बजे हम लोग खुले होकर निकलते हैं और कोई डर नहीं है। तो इसलिए योगी और मोदी जी की सरकार सबसे बढ़िया है और जो यहाँ पे विकास हो रहा है, पूरे देश में विकास हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। तो 24 में फिर आ रहे हैं मोदी जी। हर हर महादेव। हम लोग बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय से, बरौनी बेगूसराय से हैं। वहाँ बीजेपी के हिंदू हृदय सम्राट माननीय गिरिराज सिंह वहाँ के सांसद हैं, जो 4 लाख वोट से जीते थे और इस बार भी उन्होंने उनको 4 लाख प्लस वोट से जिताकर फिर मोदी सरकार को मजबूत करेंगे। इस बार तो प्रधानमंत्री पद के रेस में नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार वो सिर्फ अब तो अपना नाम भी वो भूल जाएंगे कुछ दिन में, तो क्या सरकार क्या बनाएंगे? नाम भूल जाएंगे। 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। कौन बनाया है मुख्यमंत्री, यह पता कर लीजिए। आप खुद मीडिया में हैं। बिहार की जनता बनाई है। बिहार की जनता में कितने वोट बीजेपी से मिलकर वो सरकार बनाए हैं। अभी भी बहुमत की सीट बीजेपी के पास है। सबसे ज़्यादा सीट तो अभी बीजेपी के पास है। जब भी बीजेपी उसके साथ सरकार बनाती है वो पलट जाती है। कभी चारा घोटाला के साथ जो लालू है उसके साथ चला जाता है। अब खुद तो क्या बोलता है, अब बूढ़ा हो गया, इसके पास कोई समझदारी नहीं है। रिजेक्ट हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं है अब उसका, कहीं कुछ भी नहीं है। हम क्या बोले, क्या बोल रहे, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा अच्छा, अच्छा 25 तारीख को पटना में बैठक होने वाली है सभी विपक्षी पार्टियों की। कुछ नहीं होने वाली है, वो सिर्फ एक विपक्ष का दिखावा है। वो पैसों की लूट होगी, वहाँ पे आएंगे वीआईपी गाड़ी से आएंगे, एसी में रहेंगे, बस उतना ही। 41 विधायक उसके पास है, वो क्या देश संभालेगा? उसका खुद नहीं संभाल रहा है राज्य, क्या देश संभालेगा? दो पुल गिर जाता है, पुल बनता नहीं, 2 बार पुल गिर जाता है, न हवा गिरता न आंधी आता है, उसमें पुल गिर जाता है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, खाली ढकोसला, उसे कुछ नहीं, गांजा पी लेता और कुछ नहीं करता। अभी तो उनको सुशासन बाबू कहते हैं। अरे कुशासन है, कुकर्मी है, उसे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही सब बोलता है, कुछ है कुछ नहीं है। क्राइम का रेट बहुत बढ़ चुका है, अगर सुशासन होती तो क्राइम का रेट नहीं बढ़ता। अभी जैसे बिहार से यूपी में आए हुए हैं, रात के 2 बजे भी चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और वहाँ चलेंगे तो सीधा गोली सटा दिया जाएगा, यही अंतर समझ लीजिए। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, 24 में फिर से मोदी आ गए तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। ये विपक्ष का एक एजेंडा है, जनता को गुमराह करने का एक एजेंडा है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। फिर 2024 में आप देखिएगा, बहुमत से आके बीजेपी मोदी को हाथ मजबूत करेगा और पूरा जो भी बचा खुचा काम मोदी जी का है वो पूरा करेंगे। इस बार तो प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर आप लोग को लगते हैं कि हैं, बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है। उनका कौन सा यात्रा आप बोल रहे हो रहा है उसमें जनसुराग यात्रा, जनसुराग यात्रा वो सिर्फ आपके मीडिया में दिख रहे हैं, जनता में उसका कोई असर नहीं है।
जनता उनको पहचानती भी नहीं है। जनता में गांव गांव में नहीं जा रहे हैं जी, नहीं जा रहे हैं। जब उनको ना कार्यकर्ता है, वो सिर्फ मीडियाबाजी करते हैं, वो आईटी सेल बना के रखे हुए हैं फेसबुक ट्विटर वगैरह पर, वो दिखते हैं कि जन स्वराज कर रहे हैं, प्रशांत किशोर एक नेता हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ बिहार में नहीं है और ना होगी। आइए और लोगों से जानते हैं, आप लोग कहाँ से? हम यूपी से, संत कबीर नगर। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव अगले वर्ष से? लोकसभा चुनाव है तो मोदी जी जीतेंगे। क्यों मोदी जी जीतेंगे? और कोई है नहीं नेता, गुजरात से है सर मोदी जी आएंगे, गुजराती हैं हम तो। अरे मोदी जी तो बोल रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी कितना सारा नियुक्ति पत्र दिया है, कितना सारा दिया है इन लोगों ने, डिवाइटाइजेशन कर दे रहे हैं रेलवे का, ये सब वंदे भारत चल रही है, ओपीएस बंद कर दिए। ओपीएस तो सब उसकी टाइम से चालू बंद है, अभी से थोड़ी बंद है सर, 2014 से बंद है यही सर। बिहार से आए हैं सर हम भी, संत लाल मेरा नाम है। जितने भी पार्टियां हैं सबसे अच्छा बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए कि चोरों से खतरा नहीं होगा और बदमाशों से खतरा नहीं होगा, जनता का जब भी होगा भलाई होगा। और जनता ऐसा बहुजन समाज पार्टी है कि हित का काम करती है, उनके जैसा कोई पार्टी नहीं है सर, बहन मायावती जैसा कोई पार्टी नहीं है। उनके पीरियड में, उनके रीजन में जितने भी अधिकारी लोग हैं, पोस्टेड लोग हैं, सब लोग दौड़ते हैं। और आज भी जो पहले था आज भी हो रहा है, थोड़ा मोड़ा बदलाव है। आज भी महिला का कोई सुरक्षित नहीं है, समानों को कोई सुरक्षित नहीं है, जनता कोई सुरक्षित नहीं है। जहाँ देखेंगे चोर बदमाश एकांत में पाएंगे, आज भी वहीं काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सबसे बेटर पार्टी है। जो मायावती जी अपने सरकार राज्यकाल में दिखाई है वह कोई नहीं दिखाया है। प्रधानमंत्री पद के लिए लेकिन किसको देखेंगे, क्या बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, बन पाएंगी? नहीं, अब तो बनने लग की उम्मीद नहीं है। हाँ तो जो बल्कि प्रधानमंत्री जो इस समय है वही अच्छा है। हाँ क्या करें, कुछ नहीं, बस यही बनारस के आप खुद खड़े हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बनारस में क्या विकास है, विकास नहीं, आप खुद देख सकते हैं। और लोगों की धारणा है कि सब जगह नौकरी ख़त्म हो जा रहा है, सरकारी नौकरी ख़त्म हो जा रहा है। सबसे मेन बात कि किसी भी देश की सरकार 2% से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, ये सच्चाई है। अब इंडिया की जनसंख्या पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है, तो इंडिया में वो जो सरकारी नौकरी की प्रतिशत है 2% से होकर वो 3% के पास पहुंच चुकी है। तो 1% जो बढ़ोतरी हुई उसको तो लोगों को दिखाई नहीं देता, लोग यही कहते हैं कि सरकारी नौकरी ख़त्म होती जा रही है। वो हम मतलब जो समझदार है, जो समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी है क्या। अब सरकारी नौकरी अगर कोई चीज़ अगर कर रहा है, सरकार आपको साल में 365 दिन होती है त्योहारी छुट्टी, फिर आपका CLPA ये सब आपका काट के आपको काफ़ी छुट्टियाँ मिल जाती है। कम से कम 200 दिन काम करते हैं, तो अगर 200 दिन आप काम करते हैं सरकारी में, तो अगर आप प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट के दिन में अगर प्राइवेट आपको बुला लेगा कि आपको आना है, तो आप आएंगे क्योंकि वो प्राइवेट है आपका, और सरकार तो आपको छुट्टी दे रही है तो इसलिए आप मज़े में हैं। लेकिन जब प्राइवेट आप आएंगे तो काम देश का होगा, इसलिए सरकार हर चीज़ को प्राइवेट करते जा रही है। लोग इसको समझ नहीं रहे, बस लोगों को लगता है कि बाकी सरकार हमें सरकारी नौकरी दे रही थी, वो क्या अपने घर से ला के दे रही थी सरकारी नौकरी? नहीं, किसी को भी सरकारी नौकरी कोई सरकार दे रही थी तो कहाँ से ला के दे रही थी, ये सवाल है हमारे आज के लोगों से, जो आज सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी हमें मिल नहीं रहा है, कहाँ से ला के देगा? उसके लिए आप मेहनत करिए, UPSC है, ISC ये सब है, आप उसको तैयारी करिए, IAS है, PCS है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगा, आपके घर पर ला के कोई नहीं देगा कि आइए लीजिए सरकारी नौकरी आप करिए। यही है कि विकास आपके सामने है, सबसे बेस्ट BJP की सरकार है हमारी नज़र में। राहुल गांधी को कोई जान रहा है आज के समय? कोई पूछ रहा है? आप पता नहीं कैसे नाम ले लिए। अरे विदेश में जाके भाषणबाजी हो रही है उनकी, आप हम भी चले जाएं वहाँ पे गली में जाके कहें भैया ये आदमी ऐसा ना वैसा ना, आप उनको कितना जानते हैं, आप उनके बारे में कितना देखे हैं? कोई भी सरकार, मनमोहन सिंह जो भी बने हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ पर कितनी बार वो आए हैं, वो यहाँ पर कितनी बार आए हैं? विदेश में जाकर आपका देश कौन सा है? आपका देश भारत, अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे तो अगर सही काम कर रहे हैं तो आपका कुछ बात हो रहा है ना। आप विदेश में जाके बकवास करें तो कोई मतलब थोड़ी ना निकलता है, काम हो रहा है आपके सामने। जो कॉरिडोर बना है विश्वनाथ मंदिर का, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे, पहले चलो निकलो, लेकिन आज वहाँ कॉरिडोर में दर्शन कर लिया, आराम से जाकर वहाँ बैठ के अपना जाप कर सकते हैं, वही विकास आपके सामने है। विपक्ष के लोग बोले कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, राहुल गांधी भी विदेश गए थे तो बोले कि मुसलमान खतरे में है भारत में। अगर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, ये तो भाई हमारे घर में चलिए आपके बगल में, अगर हिंदू मुस्लिम होता तो मुस्लिम को धक्का मार के हटाया जाता, हिंदू मुस्लिम है ही नहीं इंडिया में। इंडिया में है तो इंसानियत है,
लोग उसको वैसे लोग जिसके पास कुछ नहीं बच रहा वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज भी लोग मिलजुल के रह रहे हैं। सही बोल रहा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है, सोलह ना सही। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भाई, वो तो एक प्रकार का जो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं वो तो सही समझ। सर आप लोग कहाँ से हैं? मेरठ से आए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे उसमें? 2024 में तो मोदी की क्लीन स्वीप है, अब तो 2029 के बारे में विपक्ष को सोचना चाहिए, 2024 का तो सोचना ही बेकार है। विपक्ष सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, सारा विपक्ष इकट्ठा भी हो जाए तो मोदी जी जब भी उन पर भारी पड़ेंगे। तो सब राक्षस इकट्ठे हो गए थे, ये तो महाठक बंधन, सब कौरव इकट्ठे हो गए थे दूर दूर तक, सब इकट्ठे हो गए थे दूर दूर तक। यूपी में तो सारे इकट्ठे हो गए, चुनाव लड़े हैं, सब चीज हो इकट्ठे हो जाएंगे मोदी जी तो इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मोदी जी आप लोग कह रहे हैं, जो सरकार की नीतियां हैं रीतियां हैं, जो उनके काम है मोदी जी के काम के आधार पर जनता वोट देगी। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं तो रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, महंगाई बढ़ा दी। अब विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना ही है, लेकिन काम के आधार पर उन्हें वोट मिलेगा। काम बहुत बढ़िया है सर, यहाँ पे सबको चाहिए कारोबार, सबको चाहिए रोजगार। आज मैं रोड बना दूं, आज मैं स्ट्रीट लाइटें लगवा दूं, आज मैं सड़क बना दूं, जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर होंगे तो आदमी कहाँ जाएगा। मैं एक युवा हूँ, मुझे किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहूँ, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है रोजगार, नौकरी, महंगाई। 450 सिलेंडर आज हो गई 1200 रुपये, 50 रुपये से पेट्रोल हो गई 100 रुपये, 5000 गरीबों से पूछो तो वो बताएंगे। दुकानों को तोड़ा जा रहा है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। आज कोई भी काम, ये अगर सरकारी काम को, आप लोग बुजुर्ग है बता दूं, अगर सरकारी काम को करने के लिए आज पहले बिजली की बिल आ गई 1,00,000 रुपये, अब वो सरकारी काम में वो जाके अर्जी डाल के अप्लीकेशन माफ़ करा दिया, माफ़ हो गया, आधा पैसा जमा कर दिया, ये प्राइवेट हो जाएगा, ये माफ हो पाएगा, इसका मुझे जवाब दे दे। वो कह रहे हैं 1000 रुपये भाड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए 450 सिलेंडर वोट मोदी जी को देंगे। स्मृति ईरानी 450 सिलेंडर, अब इसको आप क्या कहोगे? 1200 का जवाब दे। ये लोग कह रहे हैं सिलेंडर चाहे 5000 का हो जाए, पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए, वोट मोदी जी को देंगे। ये पागलपन कहेंगे, ब्रेन वॉश कहेंगे, प्रोपेगेंडा कहेंगे आप लोगों का। आप लोग ज़्यादा उन्हीं से पूछते हो तो कहते भी मोदी को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग ज्यादा नहीं पूछते, हम लोग ज्यादा नहीं पूछते, लोग ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं। पुराने ये पहले क्या करते हैं? पुराने बंदे ये भी हैं, सब है पुराने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोबारा हो गए? हो गए। बात सुनिए ना, आप पहले 5-4 लोगों को वहाँ भेजते हो, फिर आप आते हो, उन्हीं लोगों क्या वाइट लेते हो, उन्हीं लोगों को। आप गलत बोल रहे हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं है, हमने किसी को बुलाया नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है? बताइए चाचा क्या बोल रहे हैं? लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष 2024 में, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री योगी जी को चुनेंगे, मोदी जी को चुनेंगे, और किसी को नहीं चुनेंगे। क्यों नहीं चुनेंगे और किसी को? इसलिए नहीं चुनेंगे, जो काम कर रहे अच्छा कर रहे, चाहे हमारे लिए किए या ना किए, लेकिन देश के लिए अच्छा किए। बस अच्छा ये बताइए, आप काफी अनुभवी हैं, पहले की सरकारों में अभी से की सरकारों में क्या अंतर है? अभी जो हो रहा है सही है पहले के साथ, बाकी है कि महंगाई थोड़ी बढ़ी है, जो मीडियम लोगों को थोड़ा तकलीफ हुई है, बस वो बात है। क्या बताएं, कहाँ से हैं आप लोग? हम अहमदाबाद से। लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष, क्या कहेंगे? अभी चुनाव का तो क्या है, सब अपनी राजनीति पे काम करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। कोई भी बहुत बढ़िया, कोई बात, देश को चलाना किसी के बस की बात नहीं है। इस तारीख में जो श्री राम चलाते थे वो हो गया, वो समय वो चला गया, अभी किसी के बस की बात नहीं है, सब अपने फायदे के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, जो उपलब्ध विकल्प है उसी में चुनना पड़ेगा ना, तो कौन सही सबसे सही लग रहा है कि किसी को चुनो ही मत, सब अपने फायदे के लिए करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, लोग देखेंगे चोर तो सब हैं, लेकिन कम चोर कौन है हमने उसको देखना है, क्योंकि कम से कम ये कम करे कुछ तो हमारा बचेगा ना। क्या कम करे, 15 लाख रुपए कहाँ गए हैं? मैं रुक गया, मैं आपसे, हाँ सुनिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, चोर बना रहे हैं। अगर उन्होंने
कभी ये बोला हो कि सब सबको हम दे देंगे, उन्होंने बोला कि इतने, रुकिए सुनिए, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिएगा, आप सुनिएगा, बोलने सुनिए, चिल्लाने से नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये बोला था कि इतने पैसे काला धन जमा हुआ है, अगर वो पैसा भारत में आ जाए तो इतना पैसा है कि सबके हिस्से में सबके खाते में 15-15 लाख आ सकता है, इतना पैसा है, आ सकता है, उदाहरण दिया है, ना कि बोला कि दे देंगे। सर, दे देना उदाहरण देने में अंतर होता है। स्पीच देखो, उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी आएगा 15-15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए नहीं, 1500 मत दो, बट मुझे ब्लैक मनी का पूरा वो दो, 100 की 500 की नोट कहां गई। बोल रहे कि यदि आता तो सबके खाते में 15 लाख होता, उतना आया नहीं होगा, क्यों नहीं आया, मैं बताऊं। ये उदाहरण एग्जाम्पल देना अलग बात है और हम उसको दे देंगे वादा करना अलग बात है। ये इन्होंने सोचना चाहिए। सुनिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना आसान होता है। मैं ये पूछता हूँ, इससे पहले की जो सरकार थी हमको क्या दे, कम से कम इस सरकार में हम सेफ हैं। आज गुंडे बदमाश बोल रहे हैं भैया हमको, हम नहीं जाएंगे इस राज्य में। और पहले क्या था, गोली मार के खाल उधेड़ के ले जाके चौराहे पे खड़ा करते थे, घुमाते थे, दस दस जो है जज जो हैं अपना फैसला नहीं दिए, अपना नाम हटा लिए, आज उसी को मारे गए। हम तो भाई खुश हैं, सामने वाले को तकलीफ है, हो सकता है उसकी उससे कोई लगाव हो, हमारा कोई लगाव नहीं है, आई एम सेफ, सेफ्टी फर्स्ट, हमारे पास हजार नहीं, आप खुद सोचिए, हमारे पास हजारों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, अगर कोई अगर कनपट्टी पे लगा गोली मार दे, किस काम का हमारा पैसा। आप जाके पूछिए जम्मू कश्मीर, जो कश्मीरी पंडित भगाएगा बेचारे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ गया, क्या उनके पास पैसा, उनके बहन बेटियाँ नहीं थी, उनके पास घर द्वार नहीं था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, किस काम का है, कुछ नहीं है, लास्ट में भागना पड़ा ना। हम उस स्थिति में ना जाएं, इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले अपनी सेफ्टी दें। सेफ्टी कहाँ है, सेफ्टी जहाँ रख पैसा। इन्होंने कहा कि रोड बनने से क्या हमको पैसे मिल जाएंगे, जब जहाँ रोड बनता है ना, आप हमारे यहाँ जाके देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है, मैं वहीं से हूँ, सुल्तानपुर का हूँ, ठीक है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है सर। सुनिए भाई, किसी मैं एक चीज, आपने सिर्फ ये बोला रोड बना है, आप ये बोलिए कि उन्होंने रोड, मैं मान सकता हूँ, आपने बोला रोड बना, उससे हमको क्या मिला भाई, रोड कोई भी गवर्नमेंट बनाए, सबसे खुश नसीबी हमारी ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है हमारी यूपी में रोड जम के बनाती है, और हम इसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रोड बनेगा जब वहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, होटल खुलेंगे, पेट्रोल पम्प खुलेगा, और जितने बहुत सारे विकास होता है, सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि हमें उससे फ़ायदा नहीं है, लेकिन यह है अगर हम विरोध करेंगे, विरोध करने के लिए विरोध करेंगे तो विरोध नहीं माना जाएगा, विरोध लायक हो तो आप विरोध करें तो हम मान सकते हैं। हमारा हेल्थ के लिए कितना काम हुआ और काफ़ी चीज़ों के लिए काम हुआ, वो लोगों को नहीं दिख रहा, लोग सवाल कर रहे हैं, रोड बनने अगर पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप असुरक्षित रोड पर चलेंगे जहाँ गड्ढा गुड्ढी है वहाँ चलेंगे आप, तो आपका हादसा होगा, जिस हादसे से आप गुजरेंगे उस पर आपका जो खर्चा होगा तो आप अपने जेब से करेंगे ना, लेकिन अगर आपके साथ हादसा नहीं होगा, वो पैसा जो पैसा आपके पास बचेगा ना, रोड बनेगा तो आपका फायदा है, आपका उसमें फायदा, बोले रोड बने तो कोई फायदा नहीं है, मानसिकता लोगों की खो गई है और अनबन बात किए जा रहे हैं, रोड बने तो कोई फायदा नहीं है। आज लोग जो कह रहे हैं ना पत्थर का रोड, रोड पे आप चल के देखिए, कहीं कहीं रोड ऐसा है कि जहाँ आप चलेंगे तो आपके कमर में दर्द, आप जाएंगे डॉक्टर के पास दवा लेते जाएंगे, अभी कह रहे रोड बनने से फायदा नहीं है, रोड बनने से फायदा है हमारा, उज्ज्वल योजना, ठीक है, उज्ज्वल योजना, हेल्थ केयर के काफी सारे घर के लिए हम लोग के पास, प्लस हेल्थ के लिए है, कौन सी सरकार 5 लाख का आपको मुफ्त इलाज दे रही है सर, हम योगी जी के कोई दे रही है, योगी जी के नागरिक है, हम भी भाजपा का कार्यकर्ता है, लेकिन जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। एक नोट का अगर नंबर मिलाना लोग तो उस नंबर को अगर रखते कहते कि इस नोट का अगर नंबर मिला के ऊपर का तो निकलता होता है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो महंगाई नहीं बढ़ी, आपके लिए भी बढ़ी होगी, महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से तनख्वाह भी है, जिस हिसाब से महंगाई हुई है उस हिसाब से तनख्वाह भी है, देश में तरक्की नहीं हुई है क्या, महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ रही है, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए है। नहीं, पहले आपको जमीन, पहले आपको टॉफी जो 1 रुपए का 2 रुपए मिलता था, आज आपको 2 रुपए का मिल रहा है, महंगाई नहीं बढ़ी, उस हम लोगों के दादा जब बताते थे 25 पैसा चलता था, तो 25 पैसा था वो 1 रुपए चलने लगा, क्यों चलने लगा, क्या आज तो 15 साल तक उनके पास मोदी जी है ना, उससे पहले तो हमारे पास बाकी सरकार थी ना, लोग कह रहे महंगाई बढ़ी, बाकी कहाँ गया, बाकी का समय भी तो देखें लोग। सर एक बात, मैं प्रधानमंत्री का प्रशंसा करना चाहता हूँ, पहले एक आदमी 1 महीने का दाल चावल कम से कम 30 किलो और 5 किलो लगता था, आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी नरेंद्र मोदी जी 5 किलो में एक आदमी को एक महीना जिला रहे हैं, इसलिए हम उनका बहुत बड़ा तारीफ कर रहे हैं। समझे नहीं, दोबारा बताइए तो। जैसे सर कि एक आदमी का 1 महीने में 30 किलो चावल लगता है, 2-4 किलो दाल लग जाता है, मगर ये जो प्रधानमंत्री 5 किलो में 1 महीने का आदमी, बल्कि 5 किलो नहीं 4 किलो में
एक महीना खर्च चला देते हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए आपको, हमको क्या चाहिए? आप कहाँ से? मैं गोरखपुर कुशीनगर से। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव है अगले वर्ष? जी हमारे पीएम ही आ रहे हैं। फिर जो पीएम आ रहे हैं कोई और नहीं बन सकता सर? बनने वाली काबिलियत तो होनी चाहिए ना, काबिलियत तो होनी चाहिए ना। कोई और नहीं है मोदी के अलावा? अगर आपके नज़र में कोई हो तो आप सजेस्ट करें। नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी का भी नाम अच्छा है। ये क्या चाहते हैं आप कि हमारी यहाँ की सरकार हर डेढ़ महीने दो महीने या डेढ़ साल दो साल में गठबंधन को तोड़ के फिर इलेक्शन करवाती रहे? महंगाई की मार ऑलरेडी जनता झेल रही है, क्या उस इलेक्शन का बहन वो अपने घर से करेंगे? वो गठबंधन अगर अपने घर से बहन करने के लिए तैयार हो तो फिर भाई ठीक है, जिसको जिसकी इच्छा वो उसको नेता चुने, लेकिन हमारे लिए तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। वो तो कह रहे कि मोदी जी जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, जो भी मतलब सड़क तोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं, ठीक है, मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, वो भी बढ़िया काम है। जो पटरी पे ठेला खुमचा वाले जो एकदम नीचे के हैं, जो मतलब कि डेली का 200-300 कमाते उसी में उनको परिवार चलाना है, कम से कम अगर उनको हटाया जा रहा है उस पटरी से तो उनको कहीं कोई व्यवस्था ऐसा दीजिए जो कि वो कमा खा सके, परिवार को चला सके। एक और बात आपसे पूछना है, जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, क्यों मोदी जी आएंगे, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। जो आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैमरा आपका कम से कम 1-1.5 लाख, 2 लाख का कैमरा होगा, ठीक है, कैमरा आपका 4,000 का भी आता है, 5,000 का भी आता है, 1-1.5 लाख का भी आता है, 1.5 लाख के कैमरे को क्यों यूज़ कर रहे हैं? आपको उसमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम वही चुनेंगे जिसमें हमारा फ़ायदा मिल रहा है। मोदी जी हमें फ़ायदा दे रहे हैं, हम मोदी जी को चुनेंगे, बस यही है। अगर एक तरह से देखी जाए विश्व पटल पे जितनी महंगाई है अपने भारत में उस हद तक नहीं बढ़ी हुई है, और कुछ लोग हम भारतीयों को चूतिया बनाने पे लगे हुए हैं, सोचते हैं कि ये भारतीय हैं, आज तक इनको डब्बा का ढक्कन बना के इस्तेमाल किया गया, जब मर्जी हुआ तब खोल दिया, जब मर्जी हुआ तब बंद कर दिया। तो अब ये भारत जाग चुका है और वो अपनी भलाई अच्छे से समझता है कि हमको किसके साथ चलने में बेहतर और अच्छा महसूस होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए, आपने सुनी जनता की राय, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत, धन्यवाद।